नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली एक तरफ जहां आज विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में फिर हंगामे के आसार हैं तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के मुखिया हैं वो मुजफ्फरपुर से नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे वो मुजफ्फरपुर से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका नाम ही रखा गया है नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ नीतीश सरकार को हटाने की मांग लगातार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और भविष्य बचाव का मतलब है जो मासूम बच्चों की मौत हुई है उनके बचाव के लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज सड़क पर होंगे तो इस यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से आज होनी है उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर उतरेंगे और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगेंगे इससे पहले वो मुजफ्फरपुर में धरने पर बैठे हुए थे उस दौरान भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं आज धरने पर बैठ रहा हूं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस धरने के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो सड़क पर उतरेंगे पदयात्रा करेंगे मुजफ्फरपुर से पटना तक की पदयात्रा वो करेंगे और इस दौरान लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ही ये सारी मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उनका साफ साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो अचानक हो गया है ये बहुत पहले से हो रहा था और इसमें नीतीश सरकार जो है वो विफल दिखाई दे रही थी नीतीश सरकार को पहले से इंतजाम करने चाहिए थे कि मासूम बच्चों की जिंदगियां दोबारा से दाव पर न लगे और इस बीच चमकी बुखार का कहर मुजफ्फ़रपुर में टूटा मुजफ्फरपुर के आसपास के ज़िलों में जैसे कि सीतामढ़ी समस्तीपुर शिवहर तमाम जगहों पर मुजफ्फरपुर के साथ साथ इन सभी ज़िलों में जो है कि एस कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रम्स का कहर देखने को मिला तकरीबन 150 से ऊपर बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और अब इसको लेकर के नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है हालांकि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बचाव में नीतीश कुमार उतरे और खुद भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया वहां पर उन्होंने विपक्ष से सहयोग भी मांगा और खुद भी दुख प्रकट किया और इस बीमारी को प्राकृतिक आपदा की तरह देखते हुए इस पर तमाम इंतजाम करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहते हुए दिखाई दिए उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है वहीं वो उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग राय ली गई है सरकार की तरफ से और इसको अभी तक सिंड्रम कहा गया है बीमारी पूरी तरह से ये नहीं सामने आ पाई है इसको सिंड्रम इस पर जाँच चल रही है ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते दिखाई दिए जिसके बाद विपक्ष ने असंतुष्टि जाहिर की और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि राजद के सीनियर लीडर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के बयान से असंतुष्ट हैं राबड़ी देवी भी इस्तीफा मांगती रहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और आज उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के चीफ सड़क पर उतरेंगे मुजफ्फरपुर से हल्ला बोल करेंगे और पटना तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के आप लाइव सीटी साथ बने रहिए मुजफ्फरपुर से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है क्या कुछ रहेगा किस तरह की आ, हालात बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा जब सड़क पर उतरेंगे लाइव सिटीज़ आपको पल पल की जानकारी देगा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो बिना देरी किए कर लें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लाइव सिटीज़ डॉट इन पर जाएँ धन्यवाद